वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक के बाद आगे जनाब, आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो इस तरह से कि हम बहन भाइयों के रिलेशनशिप की बात करते हैं और हम कहते हैं कि बहुत प्यारा रिश्ता होता है, हम क्योंकि बचपन में आपकी बहुत सारी यादें वाबस्ता होती हैं कि आपके भाइयों से आपकी कैसी इंटरेक्शन होती है, बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती है। और अब बड़े होते जाते जाते हैं जैसे जैसे, तो आपका कम्युनिकेशन गैप जो है वो बढ़ता चला जाता है। कुछ ज़िंदगी इतनी फास्ट हो गई है, कोई बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं इन पर आज हम डिस्कशन करने वाले। उसके लिए हमारी मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, सबा जावेद हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो सबा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सबा। हम कम्युनिकेशन गैप की जो टर्म है इसको बहुत आम जिंदगी में यूज़ करते हैं, पहले इसको डिफाइन करते हैं कि कम्युनिकेशन गैप बेसिकली है क्या। एक्चुअली कम्युनिकेशन गैप जो है, ओवरऑल हम जब रिलेशनशिप्स की बात करें, चाहे वो पेरेंट्स का बच्चों के साथ है, वो लाइफ पार्टनर्स का है, वो एम्प्लॉयज़ का है, कम्युनिकेशन गैप का मतलब है जब जो शख्स जो बोल रहा है और जो सुन रहा है, वो जो कह रहा है वो अपनी बात कम्युनिकेट उस तरह से नहीं कर पा रहा जो वो करना चाह रहा है, और सुनने वाला उसको मिसपरसीव कर रहा है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल कम्युनिकेशन गैप, कि आप अपने मीनिंग को उस तरह से कन्वे नहीं कर पा रहे और जो रिसिपिएंट है वो उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। ठीक है सवा, अभी हम बहन भाइयों की रिलेशनशिप की बात करें। बड़ा प्यारा सा एक रिश्ता होता है, मुझे बहुत सारी ऐसी बातें याद है। बड़े होकर अब चूंकि जिंदगी इतनी चेंज हो गई है, लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गैप आ गया, कुछ हम इंटरेक्शन नहीं होता। इंटरेक्शन हो भी जाए तो कोई अपनी कहानी में फंसा हुआ है, कोई अपने झमेलों में फंसा हुआ है, तो सारी जिंदगी चलती रहती है। अच्छा, ये जब मुझे पता चला कि ये वाला टॉपिक है तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू हियर अबाउट द टॉपिक, बिकॉज ये वो टॉपिक है कि जिस पे मैंने अभी तक बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स उस तरह से नहीं कोई कड़े होते हुए देखे। तो जो सिबलिंग्स रिलेशनशिप है, आफ्टर पेरेंट्स आपकी लाइफ में जो लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप जो चलता है वो आपका सिबलिंग्स रिलेशनशिप है। क्योंकि उसमें एक तो ये है कि देर आर थ्री थिंग्स विच आर कॉमन, पेरेंट्स, आपकी एक्सपीरियंसेस, आपकी मेमोरीज। सो ऑब्वियसली इस रिलेशनशिप की जो इम्पोर्टेंस है वो तो आपकी लाइफ में आफ्टर पेरेंट्स सेकंड प्रायोरिटी होती है, होनी चाहिए। जी ठीक है। अच्छा सबा, नॉर्मली हम आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते या अब टाइम नहीं है। अगर मैं अपने घर की बात करूँ तो सब अपनी अपनी जॉब करें, फैमिलीज हैं सबकी, तो वो टाइम जो हम पहले शायद कभी स्पेंड किया करते थे, बैठ जाते थे कभी आपस में, अपना कोई डिस्कशन कर ली, कोई मजाक कर लिया, वो सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं। अच्छा, उसमें एक चीज़ यही है ना कि हम अपनी अपनी लाइफ को हमने इस हद तक कंस्ट्रेंट कर लिया, एक अपनी वर्ल्ड क्रिएट कर ली है जिसमें वी आर लीस्ट बॉदर्ड के एक फैमिली टाइम की जो इम्पोर्टेंस है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। और ये आई थिंक सो कि दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द पेरेंट्स। अब आप देखें कि अगर आपने वीकली एक फैमिली गैदरिंग रखी है जिसमें आप बच्चों के इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं, जिसमें आप अपने इश्यूज को बता रहे हैं, जिसमें आप अपनी काफ़ी एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं, आप अपनी लर्निंग को शेयर कर रहे हैं, बच्चे आपसे सीख रहे हैं, और लेट मी टेल यू वन थिंग कि रिलेशनशिप विद योर सिबलिंग्स ये वो फाउंडेशन है जिसकी बेसिस पे आपके रेस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स बेस करते हैं। अच्छा, वो किस तरह? वो इस तरह से, क्योंकि जो आपके सिबलिंग्स के दरमियान जिस तरह से कम्युनिकेशन है, जो आपकी रिलेशनशिप को टैकल करने की स्ट्रेटजीज हैं, और जो आपकी एम्पैथी एलिमेंट है, ये इन्हीं स्टेजेस से डेवलप होते हैं और लेटर स्टेजेस पे यही चलता रहता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है कि अगर सिबलिंग के साथ रिलेशनशिप आपके बहुत बैड और वर्स्ट काइंड है तो इट मीन्स कि आपके लेटेस्ट स्टेजेस पे भी दूसरे रिलेशनशिप्स की भी टेंडेंसी उस तरह से हो सकती है। अच्छा, एक टाइम देना किसी को और किसी की बात सुनना, ये आजकल हमारे यहाँ रुझान कम हो रहा है, उसकी बहुत सारी अपनी रीजंस, जैसे आप अभी हमें खुद भी एक्सप्लेन कर देंगे। टाइम्स किसी की बात सुनने के हम रवादार नहीं है, कोई अगर अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, हम सर्जरी से अपने फ़ोन में लगे हुए हैं, कहीं और बिजी हैं, तो जो एक तवज्जो है, जो एक अटेंशन है, और जो किसी की बात सुनने से आपको एक अफेक्शन का एलिमेंट फील होता है, वो सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती है। आई गेस दैट्स वेरी ट्रू। आप ये देखिए कि ये जो है ना इफेक्टिव लिसनिंग, जो हमारे अंदर स्किल बहुत कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ दिस लेटेस्ट गैजेट्स। और मेरे पास, मैं स्टूडेंट काउंसलिंग करती हूँ, तो उसमें जब मुझे स्टूडेंट्स बताते हैं ना और शेयर करते हैं कि आफ्टर वंस दे आर डन विद द क्लासेस, तो तब भी वो 9 o'clock तक यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हैं एंड दे आर स्पेंडिंग टाइम विद देयर फ्रेंड्स। तो अपनी फैमिली को, अपने सिबलिंग्स टाइम पे वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो मैं उनको हमेशा इस चीज़ को बताती हूँ, समझाती हूँ
कि आपको हर रिलेशनशिप को अपने अपने डोमेन में रखने का स्किल आपको आनी चाहिए। और सेकेंडली अभी आप कह रही थी कि हम उस तरह से सुनते नहीं हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसमें भी पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि आपने इफेक्टिव लिसनिंग और जो कम्युनिकेशन है वो जो फर्स्ट जो लर्निंग होती है वो पेरेंट्स साइड से आती है। आई स्टिल आई कैन टेल दिस थिंग वेरी प्राउडली, जब मैं अपनी मदर से बात कर रही हूँ आई डोंट यूज मोबाइल, मैंने कभी भी अपने सामने मोबाइल नहीं रखा, स्पेशली व्हेन वी आर डिस्कसिंग समथिंग वेरी सीरियस, इवन इट्स नॉट सीरियस, जब मुझे पता है कि इन्होंने कोई बात करनी है, आई नेवर एवर गेट इन टू दीज गैजेट्स और या मैं लैपटॉप के सामने हूँ। हाँ, जब मैं हूँ तो तब देन आई लेट देम नो कि इस टाइम पे मैं अभी इस बात को उस तरह से हम एड्रेस भी नहीं कर सकते। अच्छा। तो आप काइंडली, मैं पेरेंट्स को यही कहती हूँ कि आप बच्चों को बताएं कि किस टाइम पे कि आपको उनकी बात सुननी है और जिस टाइम पे आपने किया हुआ फिक्स उसमें आपने सारे अपने इश्यूज को, और ये हमेशा आप कम्युनिकेशन इज नॉट अ वन वे, इट्स ऑलवेज अ टू वे स्ट्रीट इन एनी रिलेशनशिप। जब तक आप किसी की बात सुनेंगे नहीं कोई आपको कन्वे भी उस तरह से नहीं करेगा, वो आपकी भी नहीं सुनेगा। ठीक है, आप गैजेट्स और कम्युनिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मजीद कंटिन्यू कीजिए। देखिए जैसे मैम ने बात की, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा। अच्छा। कि फैमिली के साथ जब आप इंगेज कर रहे होते हैं और फैमिली के साथ जब आप बात कर रहे होते हैं तो उसमें मोटिवेशन से ज़्यादा बड़ा रोल होता है कि आपकी ओवरऑल ग्रूमिंग क्या है और आपकी वैल्यूज़ किस तरह से काम कर रही हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले सुन रहा था कि मैम ही कह रही थी कि व्हेन शी टॉक्स टू अ मदर तो इनकी कोशिश होती है कि गैजेट से दूर हों। ये बेसिकली आपकी वैल्यूज़ हैं, ये वो वैल्यूज़ हैं जो आपको आ रही हैं, तो मोटिवेशनल फैक्टर से ज़्यादा वो आपकी ग्रूमिंग के ऊपर डिपेंड करती है चीज़। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम क्रिटिसाइज़ करते हैं चीज़ों को, पेसिमिस्टिक होते हैं हम चीज़ों के मामले में, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसी चीज का पॉजिटिव रोल भी है। गैजेट आपके पास है, वो आपकी मंशा के मुताबिक चलेगा। Exactly. अब बच्चे को समझाना किसने है, तो वैल्यूज का सेट किधर से आएगा? ठीक है, हम इसको ब्लेम नहीं कर सकते किसी एक, मतलब फर्द वाहिद की बात नहीं है। ये ओवरऑल ट्रेनिंग इसमें रिक्वायर्ड है और ओवरऑल कल्चर एक एम्बेड किया जाएगा ताकि आप उसको बेहतर तरीके से आगे लेके चल सके। I know a number of people जो के when they sit with their families they get bored. क्या reason है? हमारे यहाँ basically discussion का जो वो जो एक family discussion वाला element होता है ना, वो कुछ और ही होता है। There's a difference between discussion and gossip. Gossip का culture तो है, लेकिन discussion का culture जो है constructive किस्म की discussion. Exactly. Discussion का जो वो जो element है ना वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है, उसको रिवाइव करने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह माय पेरेंट्स आर माय बेस्ट फ्रेंड्स, वो क्यों हैं कि आई कैन डिस्कस विद देम ऑन एनी टॉपिक आई वांट टू। ठीक है, अब वो जब आपको डिस्कशन नहीं मिलेगी ना तो बच्चा लर्न नहीं करेगा और बच्चा ग्रो नहीं करेगा, और उस सबसे परे ये बात है कि आप मतलब बच्चे को आप वो एनवायरमेंट नहीं दे रहे जो उसको कंफर्टेबल कर रहा है। Exactly. उसको वो चीज नहीं मिल रही जहां पे वो दोस्ताना एक जो होता है ना, एक अब वो दोस्तों में तो बहुत कंफर्टेबल है, उनसे बात भी कर रहा है खुल के सारा कुछ, लेकिन घर के अंदर आता है तो दे आर ब्लैंक फेसेस। हाँ, बहन भाई अपना कुछ कर रहे होंगे या पेरेंट्स कुछ कर रहे होंगे, तो उसमें उसकी कम्युनिकेशन जो है वो नहीं सही वो पाते। और दूसरी चीज ये है कि देखें हमारे जो ओवरऑल लाइफस्टाइल है ना, वो लाइफस्टाइल बड़ा काउंट करता है उसके अंदर। हम एक बॉक्स लाइफ गुजार रहे हैं, बॉक्स लाइफ इन अ सेंस हम जिस कमरे में इस वक्त बैठे हैं ये एक बॉक्स है। ठीक है, इधर से निकल के हम एक बॉक्स में बैठ के अपने एक और बॉक्स में चले जाएंगे no doubt. फिर हम उसी बॉक्स में जाके एक बॉक्स को ऑन करेंगे और इसी प्रोग्राम को देख रहे होंगे। ठीक हो गया, हमें हवा मिली नहीं रही। हाँ. जो आपकी ग्रूमिंग की मैं बात करता हूँ, वहाँ जब तक आपकी नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ आपकी अटैचमेंट नहीं है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आपका दिमाग नहीं खुलेगा। वो तो ट्रेंड जहाँ से बहुत कम है। किसने क्रिएट करना है? हमने खुद, पेरेंट्स ने। अच्छा, हमारे बड़ों ने। तब जाके जब वही बड़े आपको किसी स्पोर्ट के ऊपर भेज रहे होंगे, वही बड़े जब आपको घर पे देखेंगे, आपका दिन पूछेंगे, कितना अरसा हो गया कि आपसे पूछा गया कि हाउ वाज योर डे, कम होता है। होता है, मैं ये नहीं कहूंगा खत्म हो गया, होता है लेकिन कम होता है। तो जब तक आप बच्चे के अंदर ये चीज दोबारा नहीं डालेंगे, इट्स नॉट ओनली अबाउट बच्चा, अब वही बच्चा बड़ा भी हो गया,
तो उसको भी खुद इन चीजों का ख्याल रखना है, बट बेसिक ग्रूमिंग काउंट्स काउंट। अच्छा, बहन भाइयों की भी बात करें, हम आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, कोई अपनी जॉब पे गया, कोई अपनी फैमिली के साथ बिजी है। हालांकि बचपन से लेकर हम बचपन का अपना टाइम याद करें तो बहन भाई ही वो आपके एक दोस्ती वाला एलिमेंट होते थे, क्योंकि जब आपके ज्यादा दोस्त नहीं बनते थे तो आप बहन भाइयों से इंटरेक्ट करते। बड़े होकर चीजें जहाँ से क्यों कम हो गया? देखिए, इनसिक्योरिटीज बढ़ जाती हैं। आप कम्युनिकेशन देखें, कम्युनिकेशन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इट्स द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ अ ह्यूमन्स लाइफ। अगर वो कम्युनिकेशनल फैक्टर नहीं है तो आप कई चीज़ों पे फॉल बैक कर रहे हैं। अब वो दोस्ती का एलिमेंट इम्पॉर्टेंट है। हम जहाँ दोस्ती नहीं देते ना अपने छोटे बहन भाइयों को या अपने बच्चों को, वहाँ पे वो हमसे खिंचना शुरू हो जाते हैं। इट्स अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल कि हमारे हमें आज तक वो टीचर्स याद हैं या उनकी बातें ज्यादा याद हैं जो कि फ्रेंडली थे, जो हमारे साथ स्ट्रिक्ट थे, थोड़ा सा रूड बिहेवियर था जिनका, वो हमें उस तरह से ना याद है ना हमें अच्छे लगते थे। सीधी सी बात है, तो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि हमें हर वो शख्स याद रहेगा और हर उस शख्स से हम बात करना चाहेंगे, उसके पास बैठना चाहेंगे, टाइम ज्यादा से ज्यादा गुजारना चाहेंगे, जिसकी बातें हमें एक तो समझ आती हैं और उसका बिहेवियर फ्रेंडली होता है। सही, ठीक हो गया। तो अब क्या स्ट्रेटजीज हमारी होनी चाहिए? दोनों से मैं बाय बाय पूछूंगी कि बहन भाइयों का जो कम्युनिकेशन गैप है इसको खत्म किस तरह से किया जाए, क्योंकि अगर बिजी भी हैं कुछ ऐसा भी फैमिली टाइम या सिबलिंग्स टाइम एक होना चाहिए जिससे हम अपनी बातें भी कम्युनिकेट कर सके। इवन हम बाय फ्रेंड्स के साथ भी तो वो सब डिस्कस करते हैं, तो घर में क्यों? देखिए, आपको जब एक चीज समझ आ जाए ना कि यार मुझे मशवरा जो है वो बेहतरीन मशवरा मुझे घर से मिलेगा, तो फिर चीजें आसान हो जाती हैं, रिलेटिवली आसान हो जाती हैं। अब ये पूरा ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम योर पेरेंट्स देन टू योर एल्डर सिबलिंग्स एंड ऑल। आप वो एनवायरनमेंट, बेसिकली वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें उन लोगों को जिनके बारे में आप सब में पहले आपको समझने की जरूरत है आप केयर करते हैं। सही, उनको कभी भी आप गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपके फ्रेंड्स को बुरे लोग हैं या इस किस्म की बात, बट आपके जो रिश्तेदार, जो आपकी बेसिक इमीडिएट फैमिली है, उसका नेमुल बदल तो कोई नहीं, तो हमें खुद वो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करके देना है जहाँ पे वो हमसे खुल के बात कर सकें। मेरे भाई को मुझसे एक वक्त में शिकायत थी कि यार आप मेरे साथ उस तरह बात नहीं करते जिस तरह बाकियों के भाई बहन करते हैं, एंड आई रियलाइज दैट। उसको मैंने फिर बेहतर करने की कोशिश की, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरा रियलाइज करना है जहाँ से, ये भी तो बहुत बड़ी बात है, ये तो हम करते हैं। ये कम्युनिकेशन का सब में बड़ा फैक्टर, वो कोई भी हो आपके रिलेशनशिप में, किसी भी एतबार से कोई भी शख्स हो, रियलाइजेशन आपको दिलवानी पड़ती है। सही। जिसके लिए मैं एक टर्म यूज करता हूँ, रियलिटी चेक। हाँ। आपको लोगों को रियलिटी चेक देना पड़ता है और आना भी चाहिए रियलिटी चेक। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर आप उनको वो रियलिटी चेक नहीं देंगे तो उनको नहीं पता लगेगा कि कहाँ वो गलत कर रहे हैं। इन माई केस मुझे नहीं आइडिया था, शायद मैं बड़ा भाई होने के नाते बॉसी होता हूँ, शायद मैं बड़ा भाई होने के नाते उस तरह से उसको कंफर्टेबल नहीं कर रहा, वेयर एज एज अ ट्रेनर एंड एज अ काउंसलर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट आई एनी पर्सन आई मीट आई शुड मेक हिम और हर कंफर्टेबल ताकि वो मुझसे बात कर सके। अगर वो चीज मैं अपने घर पे इंप्लीमेंट नहीं कर रहा तो मुझे उसको इम्प्रूव करना चाहिए। एंड आई, दिस वॉज अ रियलिटी चेक फॉर मी। एज ह्यूमंस वी ऑल आर डेवलपिंग थ्रू आउट आवर लाइफ, हमें चीजों को इम्प्रूव करना चाहिए और हमें रियलिटी चेक देने वाला भी होना चाहिए कोई। रियलिटी चेक, देखें कम्युनिकेशन की जब बात होती है तो इट्स टू वे। रियलिटी चेक इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। मुझे नहीं पता लगेगा या आपको नहीं पता लगेगा, आपको नहीं पता लगेगा कि आप स्क्रीन पे कैसी दिख रही हैं, लेकिन आपके प्रोड्यूसर साहब को पता होगा, तो वो आपको बताएंगे कि आप कैसी दिख रही हैं, आपको क्या करना चाहिए, इस तरह बैठना है, उस तरह बैठना है। क्यों? क्योंकि हर चीज हमें खुद नहीं पता होती, हमें कोई बताता है तो हम उसको इम्प्रूव कर लेते हैं। इम्प्रूव करने का मादा हमारे अंदर होना चाहिए, अगर नहीं कर रहे तो गलती हमारे साथ। टू वे कम्युनिकेशन होती है, जब तक कोई बात आपकी अंडरस्टैंड नहीं करेगा अगली बार आप उससे बात करना जरूरी भी नहीं समझेंगे और आपको लगेगा इसने मेरी बात नहीं समझी, चाहे वो पेरेंट्स है चाहे वो बहन भाई है। कम्युनिकेशन होती ही टू वे है। Exactly. जैसे मैं कहता हूँ कि ताली, मतलब एक मुहावरा, ताली दोनों हाथों से बजती, एक हाथ से हवा झलते हैं आप, दैट्स इट। तो कम्युनिकेशन, आप इट डिपेंड्स कि आप किस से बात कर रहे हैं, वो शख्स आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हमारे इसकी मिसाल इस तरह से है, एक एवरेज ह्यूमन बीइंग 30 to 35,000 आइडियाज एंड थॉट्स कलेक्टिवली उसके जहन में आते हैं एक दिन में। उसके जहन में जो रह जाती हैं थॉट्स वो पांच होती हैं सिर्फ। वो कौन सी थॉट्स होती हैं? जो इमोशनली उसको, उसके क्लोज होती हैं।
तो अब हमने ये देखना है यार ये शख्स मुझे मेरे लिए इमोशनली क्लोज है या नहीं, नहीं है, ठीक। अब अगर माँ बाप के बारे में इफ़ यू थिंक ट्वाइस टू टॉक टू देम अगेन, ज्यादती है। बहन भाइयों के साथ ज्यादती है। इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप आप उससे तो 10 दफा मनाते हैं माजरत के साथ और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी जिंदगी में। बट व्हेन इट कम्स टू योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली मेंबर्स, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, तो हम क्यों, व्हाई डू वी इवन नीड टू थिंक ट्वाइस अबाउट इट? क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए ही किया है और हमारे लिए ही करेंगे और हमारा इनके ऊपर करना बनता है, इनके लिए करना बनता है। लवली, थैंक यू वेरी मच सबा, थैंक यू वेरी मच जहां से, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जनाब कम्युनिकेशन, बहन भाइयों का रिश्ता, माँ बाप से आपका रिलेशनशिप, बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में प्रायोरिटीज में होनी चाहिए। और आज हमने कोशिश की कि ये मैसेज आप तक कन्वे किया जाए। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और भी मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। आप देखते रहिए जागो लाहौर।